our next topic is electroscope. But before starting, I want to explain few terms. अब तक हमने चार्ज को क्या देखा था, प्रॉपर्टी जो हमने देखी, द लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर. मीन्स पॉजिटिव पॉजिटिव क्या है, रिपेल करेंगे, और निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे. क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसी मुझे इलेक्ट्रोस्कोप में अभी इसकी जरूरत पड़ेगी. अप्लाइंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक डेफिनेशन आ जाएगी. इलेक्ट्रोस्टेटिक क्लिंग क्या है, अप्लाइंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टेटिक क्लिंग एंड इट इज वेरी कॉमन फोर्स इन नेचर. आपके कपड़े भी स्टिक हो जाते हैं, वो भी इलेक्ट्रोस्टेटिक क्लिंग है. तो ये आपको मुझे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने थे, क्योंकि अब मैं इलेक्ट्रोस्कोप बता रहा हूँ आपको और वहां इसकी जरूरत पड़ेगी. इलेक्ट्रोस्कोप चार्ज को हम देखने की कोशिश करते हैं, चार्ज दिखता नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम ऐसा कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं कि बॉडी चार्ज है या नहीं, कोई बॉडी चार्ज है या नहीं है. मैंने बोला कि इसको पता करो बॉडी चार्ज या नहीं है, तो आप, मैं पूछूंगा कि स्विच सॉकेट में करंट आ रहा है या नहीं, तो आप अपनी फिंगर उसमें डालोगे और झटका लगेगा तो बोलोगे चार्ज है, जिससे आपकी लाइफ को भी खतरा हो सकता है. तो बॉडी में चार्ज आइडेंटिफाई करने के लिए, हालांकि अब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए. चार्ज को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो होता है इलेक्ट्रोस्कोप, और आपकी बुक में उसे गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के नाम से बोला गया होगा. तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि जो पहले इसमें जो फॉइल यूज की गई थी वो गोल्ड की यूज की गई थी, क्योंकि गोल्ड का आपको पता है बिल्कुल मेलेबल और डक्टाइल होता है, बिल्कुल छोटे से फॉइल में जो स्वीट्स के ऊपर जो वर्क लगी होती है इस तरह से फॉइल में उसे हम बना सकते हैं बिल्कुल हल्का सा. तो इसलिए इसका नाम गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप दिया गया, और कोई रीजन नहीं है. आप चाहो तो एल्युमिनियम की भी, अब पतली सी बिल्कुल आज की टेक्नोलॉजी में तो एल्युमिनियम की भी हम बना सकते हैं बिल्कुल पतली सी फॉइल. तो ये हमने गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप होता क्या, आप देखें, आपको नोट्स मिल जाएंगे, पीडीएफ में मिल जाएंगे, उसकी टेंशन ना लें, समझ लें आप यहाँ पर. तो इसके लिए हमने क्या किया, एक कंडक्टर की बार ली, और कंडक्टर की बार में ये कुछ लीफ इस तरह से है, एक ऐसी है लीफ इन दिस वे, ये लीफ है, और बीच में से मैं ऐसे कर दूं इस तरह से मोड़ कर ऐसा है, और इसे लीफ को मोड़ दिया, इस तरह पेज लिया फाड़ा पतला सा और उसे इस तरह से बीच में मोड़ दिया ऐसा, तो ये कुछ ऐसे दिखेगी लीफ, ये बेंड कर दिया दोनों तरफ से, बेंड करके इससे मिला दिया, और यहाँ पर इस कंडक्टर के इस एंड पर हमने इसे फिक्स कर दिया, ये भी कंडक्टर और ये भी कंडक्टर, लेकिन ये क्या है, स्टिक है, और ये बिल्कुल हल्की सी लीफ है, इसे यहाँ पर टच यहाँ पे अटैच कर दिया. अब इसको हमने एक ग्लास के जार के अंदर रखा, और यहाँ पर एक रबड़ कॉर्क लगा दिया, और इस जो हमारा ये कंडक्टर था बाहर है, ओके, और ये रबड़ कॉर्क यहाँ पे लगाया, और इसको एक ग्लास के जार में सेट कर दिया इस तरह से, और ये रबड़ कॉर्क ये आपके पास ग्लास जार, कंडक्टर रॉड, कंडक्टर रॉड, ओके, गोल्ड लीफ और फॉइल, और फॉइल, ओके, ये आपके पास कंडक्टर रॉड हो गया, और ये आपके पास रबड़ कॉर्क, ओके, उसमें हमने इसको फिक्स कर दिया इस तरह से, इंसर्ट कर दिया. और अब हम को कोई बॉडी आइडेंटिफाई करनी है, चार्ज है या नहीं है. हमने क्या किया, एक ग्लास की बार थी उसे लेके आए और इस पे टच कर दिया, ग्लास की बार को ऐसा इस पे टच कर दिया, ये है आपके पास ग्लास रॉड, ग्लास रॉड,
लेट अस अज्यूम ये चार्ज है, तो ये चार्ज है तो कंडक्टर में आपको पता है चार्ज फ्लो होते हैं, कंडक्टर में करंट फ्लो होता है, करंट फ्लो होना क्या है चार्ज। ये चार्ज इसमें से ट्रांसफर होते हुए कहाँ आ जाएंगे, इसमें आ जाएंगे क्योंकि कंडक्टर है। अब ये कंडक्टर से होते हुए फिर गोल्ड फॉइल है, ये दो इस तरह से हैं, ऐसे कर दिया है, तो यहाँ पे आके चार्ज का क्या डिवीजन होगा, इसमें भी जाएंगे और इसमें भी जाएंगे, दोनों में कैसे चार्ज चले गए, पॉजिटिव पॉजिटिव, इस वाले में पॉजिटिव आ गए, इस वाले में पॉजिटिव आ गए, तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा, रिपल्सन, तो रिपल्सन करेंगे तो ये फॉइल कैसे फैल जाएंगी इन दिस वे। तो अब ये वो जो फॉइल है वो पैरेलल ना रह के क्या हो जाएंगी, फैल जाएंगी, फैल गई तो हम चार्ज तो हम देख नहीं सकते कि चार्ज, लेकिन ये फैल गई, बिना चार्ज के क्या ये फैल सकती थी, नो, बिना चार्ज के ये नहीं फैल सकती थी, तो अब ये फैल गई, तो हम कह सकते हैं कि ये जो ग्लास रॉड थी ये क्या है, चार्ज थी, दिस ग्लास रॉड इज चार्ज। अगर ये पैरेलल ही रहती तो हम क्या कहते कि ये जो चार्ज, ये जो रॉड है वो क्या है, अनचार्ज। सिमिलरली आप प्लास्टिक रॉड को भी टच करके देख सकते थे, उसमें नेगेटिव नेगेटिव भी आपके रहेगा, वो भी क्या होगा, रिपेल होगा। तो ये इलेक्ट्रोस्कोप की हेल्प से हम फाइंड आउट कर सकते हैं वेदर ए पर्टिकुलर बॉडी इज चार्ज और नॉट। हाँ, इस बात का ध्यान रखना है जब आप इस ग्लास रॉड को पकड़ के लाओ तो आपके हाथ में इंसुलेटर होना चाहिए, नहीं तो आपकी बॉडी में ही चार्ज आ जाए। ओके, और अब आप सोचोगे ये ग्लास जार का क्या यूज है, इसका क्या यूज है, अननेसेसरी हमने इस ग्लास जार को लगाया, तो डियर ग्लास जार का यूज है, ये फॉइल बहुत हल्की होती है, माइक्रोन में होती है, हवा से ये, अगर ये जार नहीं लगाते तो ये हवा से क्या होता, मूव करती रहती, और हवा से हिलती रहती तो क्या हमें पता चलता कि एक्सपेंड हो रही है या नहीं एक्सपेंड हो रही है, हमें जो एक्सपेरिमेंट है वो हम प्रॉपर ढंग से नहीं कर सकते थे, तो हमने इसको क्या किया, ग्लास जार में पैक कर दिया। तो इसकी हेल्प से हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं वेदर दिस वन इज चार्ज, ग्लास रॉड इज चार्ज और एनी बॉडी इज चार्ज और नॉट। ओके, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, एन गोल्ड लीफ इलेक्ट्रो इसको इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ चार्ज इन ए गिवन बॉडी, और इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, रिपल्सन, द वर्किंग प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन रिपल्सन ड्यू टू चार्ज। ओके, सेम टाइप के चार्ज होंगे तो रिपल्सन होगा, तो ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल था और ये मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया है। तो यहाँ पे हम लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि बॉडी आपका यहाँ पे चार्ज है या नहीं है। क्लियर, तो ये था आपका गोल्ड लीप इलेक्ट्रोस्कोप का डिस्क्रिप्शन, और डिटेल में आपको मैं पीडीएफ में भी अवेलेबल नोट्स में करवा दूंगा।